हरि नाम संकीर्तन की पत्र पावन श्री गौरंग महाप्रभु की पत्र पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रमंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु लभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते विधिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भगवत गीता षष्ठ अध्याय, विषय नाम होचे ध्यान जग, श्लोक संख्या 11-12। सुचौ देश प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नाति नीचं चलायजीन कुशोतरम्। तत्रोकाग्रं मनः कृत्वा जतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन जुञ्ज्यात् जोगमात्मविशुद्धये। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातुश्रित्यं नित नातिनीचं चैलाजीनकुशोतरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन जुञ्ज्यात् जग आत्मा विशुद्धये। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नाति नीचं चलायसीनुकुशोतरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासेन जुञ्ज्यात् जगामात्मन विशुद्धये। शब्दानुवाद सुचै पवित्र स्थान रे, देशे देश रे, प्रतिष्ठाप्य स्थापन करी, स्थिरं स्थिर, आसनम आसन, आत्मनः आत्मनिर्भरशील, न नुहे, अति अति, उच्छ्रितं उच्च, न किंबा नुहे, अति अति, नीचं नीच, चैल चैल, अजिना कोमल वस्त्र एवं मृग चर्म, कुशोतरम कुशघास, तत्र ता उपरे, एकाग्रम एकाग्रचितरे, मनः मन, कृत्वा करी, जचित मन संयम करी, इंद्रिय इंद्रिय गुड़ी क्रिया कर्म, उपविश्य बसी, आसने आसनरे, जुंज्यात करे, जोगं जोग अभ्यास, आत्महृदय आत्महृदय, विशुद्धये विशुद्धिकरण निमित्त। इस श्लोकर अनुवाद एवं भावार्थ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जोग अभ्यास निमित्त व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवा पड़ो,
सेठारे भूमि उपरे बसी कुश घास बिछाई ताहाकु कोमल वस्त्र एवं मृग चर्म रे आवृत करिया पड़ो। आसन टी अति उच्च किंबा नीच हेबा उचित नुहे, एहा एक पवित्र स्थान रे स्थापित हेबा उचित। जोगी से आसन रे स्थिर भाव रे उपवेशन करिवा उचित एवं तत्परे मन ओ इंद्रिय गुडी को संयम करी हृदय को विशुद्ध करी एवं मन को एकाग्र करी योग अभ्यास करिवा उचित। भावार्थ, पवित्र स्थान कहिले एठारे तीर्थ स्थान को बुझाए। भारत रे जोगी गण बा भक्त गण गृहत्याग करंती एवं प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार आदि पवित्र स्थान मानकर बास करते। जेउं थारे गंगा और जमुना परी पवित्र नदी प्रवाहित होती से ही स्थान रे एक एकांत स्थान रे सेमाने योग अभ्यास करती। किंतु सबु समय रे विशेष करी पाश्चात्य देशर अधिवासी मानक पक्षरे एहा संभवपर नुहे। बड़ बड़ सहर मानकर थिबा तथागत योग संघ मान भौतिक लाभ उठेबा दिगरे कृत कार्य होई पारंती, किंतु प्रकृत योग अभ्यास दिगरे सेगुडीको उपयुक्त नुहंती। जे आत्म संयम न करिछि एवं जहार मन स्थिर न होइछि से कदापि ध्यान योग अभ्यास करि पारिबो नाही। तेणु बृहद नारायणीय पुराण रे कहैछि जे कलियुगरे साधारण लोके अल्पायुष, आध्यात्मिक साधना निमित्त अति मंद एवं सर्वदा नाना तापरे तापित, एमानक निमित्त भगवानकर दिव्य नाम कीर्तन ही सर्वोत्तम जग साधना पंथा अटे। तेणु कहैछि बृहद नारायणीय पुराण रे हरे नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। एही कलियुगरे भगवानकर दिव्य नाम कीर्तन ही मुक्तिर एकमात्र पंथा अटे। एतद् व्यतीत अन्य पंथा नाही, अन्य कोनोसी पंथा नाही। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव चरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो समस्त भक्त मान को आज रही संध्याकालीन भगवद गीता आलोचना समस्त बहुत बहुत स्वागत। तो विशेष भाव आज आम साथी अच्छा प्रभुजी श्री सुदाम सखा प्रभु, प्रभुजी बहुत सीनियर भक्त अटंती, श्री धाम वृंदावन निवास करती। तो आम जो कलेज नुआ नुआ आसलु तो प्रभुजी से आसती आम सुंदर प्रसाद दिखती कि उपहार दिखती वृंदावन धाम नहीं आता तेनाली द्वारा आम उत्साहित अनुप्राणित भक्ति जीवन में तेनाली प्रभुजी के आशीर्वाद नहीं भगवान कथा कह आगे बढ़िया। तो आज आम पाठ करुचे श्रीमद भगवद गीतार षष्ठ अध्याय जहाँ ध्यान जोग आ श्लोक संख्या 11 और 12 एथे कहिछि योग अभ्यास निमित्त व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवा को पड़िबो। सेठारे भूमि उपरे कास कुश घास बिछाई ताकु कोमल वस्त्र एवं मृग चर्म रे आवृत करिवा को हेबो। आसनति अति उच्च किंवा नीच हेबा उचित नहि, एहा एक पवित्र स्थान रे स्थापित हेबा उचित। जोगी से आसन रे स्थिर भाव उपवासन करिवा उचित एवं तत्पर मन इंद्रिय गुड को संयम करी हृदय को विशुद्ध करी मन को एकाग्र करी योग अभ्यास करिया दरकार। तेणु यह जो ध्यान जोगर कथा भगवान कृष्ण अर्जुन कहते तो प्रकृत में गोटे गोटे स्टेप वाइज भगवान एक्सप्लेन कर सांख्य जोग, कर्म जोग, ध्यान जोग, ज्ञान जोग, भक्ति जोग, कर्म सन्यास जोग, सब ये स्तर अनुसार कहते कहीं कहते ना जदि आम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जहाँकि हम सन्यास जोग अर्थात भक्ति जोग जदि से ही कथा आम जन व्यक्ति को डायरेक्टली कह प्रत्यक्ष भाव में तो व्यक्ति ताकि संगे संगे ग्रहण कर सब व्यक्ति मान मनोभाव थाए कर्म से माने कर्म द्वारा बहुत आकृष्ट होने भावते जीवन प्रकृत लक्ष्य हूँ केवल कर्म करा जदि ओ कर्म आमको आवश्यकता रही कि जीवन रक्ष्य नुह तेणु कि भाव में गोटे गोटे स्तर देखिए भगवान प्रत्येक व्यक्तिर मन को विशुद्ध कर सांख्य जोग कथा कहते आत्मा विषय में कर्म जोग कर्मर महत्व विषय कहते तापर जो ध्यान जोग प्रति आकृष्ट ध्यान जोग कथा कहते ध्यान जोगर महत्व विषय कहते
ତାପରେ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାଠାରେ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ରହିଛି କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତ ସମସ୍ତେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଭଳି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଯେଭଳି ତ ଏଇସବୁ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି ପୁରା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ରାସ୍ତା ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ତେଣୁ ଅନ୍ତିମରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପ୍ରତି ନିଜର ମନ ନିବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ଶୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗୀ ତ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯୋଗୀକୁ ଏକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କୃତେ ଧ୍ୟାୟେତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରତୟେ ଯଜୟେ ମାଖୟେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟାମ୍ କଲୌ ତତ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୃତେ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନ ବ୍ରତ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନ ଯୋଉ ବିଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତ କିଭଳି ନା ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଯୋଉଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନଥିବ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କଣ ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରିକା ଯେଉଁଭଳି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଟେଲା ନାଁରେ ଏକ ଜାଗା ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲେ ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଥାଏ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଠି ଯାଇ କଣ କରିବେ ନା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ କେମିତି ବସିବେ ନା ଏକ ଆସନ ପକେଇବେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନ ତାହା ମୃଗ ଛାଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର କାହିଁକି ମନାଯାଏ କୁଶ ଘାସର ଆସନ କିମ୍ବା ମୃଗ ଛାଲ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଆସନରେ ବସିଲେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଧର କିଛି ସରୀସୃପ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ତ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ଶରୀରରେ ଚଢିଯିବାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୁଶ ଘାସରେ କିମ୍ବା ଆମେ ମୃଗ ଛାଲରେ ବସିଥିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସରୀସୃପ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବେ ନା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନା ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା ଅତି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସିଧା ବସିବା ଏଇଟା ତ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ତପସ୍ୟା ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପୁରା ବସିବା ସିଧା ଜଣେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରଖିବ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାମୃତମ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଡେଫିନେସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରଖିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରେ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନଥିବ ମନରେ ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିଥିବା ଦରକାର ଆମର ଯୋଉ 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ମନ ଅଛି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାନି 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କଣ ନା ଗୋଡ ହାତ ଜିହ୍ୱା ନାଇଁ ସରି ଗୋଡ ହାତ ଆଉ ବାକ୍ କହିବା ତିନି ଆଉ ହେଲା ମଳଦ୍ୱାର ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟ 5 ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ନା ଯୋଉଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କୋଉଥିରେ ନା ଆଖି ଆଖିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ କାନରେ ଶୁଣିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ଜିହ୍ୱା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ନାକରେ ଆଘ୍ରାଣ କରିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛେ ତେଣୁ 5ଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ହେଲା ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ମନ ତେଣୁ ଏଇ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ 11ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ତ ଏଇଟା ତ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ତ ଆମେ କିଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନା ଯୋଉ କହିଛି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଭଜନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଶିଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କରିବାଟା ହଉଛି ସବୁ କୈତବ ନିର୍ଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିକିରି ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଜନ ହଉଛି କୈତବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଫଳ କାହିଁକି ନା ଏକାନ୍ତରେ ବସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହବ ନା ମାୟାର ଭଜନ ହବ ମାୟା କଥା ମନେ ପଡିବ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ
अनेक सब बाबाजी मान रोते हैं वृंदावन छोटिया छोटिया कुड़िया कर एकांत बास करते एकांत बास कर कौन करते ना जन जन घरणी को रखुले साधु थे जन जन घरणी की रखुले तेनाली एकांत भजन मना कराई साधु संघ संकीर्तन चेतन महाप्रभु आम जो शिक्षा देखते आम समस्ते संकीर्तन मिसिकी कीर्तन करवा एकांत जाकर बसिक जप करवानी एकांत बसिक कीर्तन करवानी एकांत बास करवानी ये सब मना अच्छे तेणु आम समस्ते एकत्रित भाव में मिलकरी एकाठी आम भजन करवा भगवान आराधना करवा कौन कहे ना भूमि उपर बसिक आमको जहाँ जी आसन आवश्यक तले बस आसन बसिक भगवान नाम जप करवा स्ट्रेट सीधा बसिक कौन करवा दरकार ना आसन कौन उच्च नीच होता नुह प्लेन होता दरकार आम जप करा बेल ये सब किसी अवलंबन करा दरकार ता द्वारा आम चित्त मन कृष्ण नाम लगिपर आँ कर पवित्र स्थान तो पवित्र स्थान जो प्रभुपाल लिखिं वृंदावन मथुरा तो आम तो समस्त वृंदावन सब जापर किंतु शिल प्रभुपाद महाराज कहते एवरी इस्कन टेम्पल इज नोन आज ए वैकुंठ इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ तो प्रत्येक इस्कन केन्द्र वैकुंठ ठार अभिर्ण प्रत्येक इस्कन केन्द्र गोटे गोटे वैकुंठ आई रही के कृष्ण स्मृति करें ये वृंदावन जो शिल भक्ति चारु स्वामी महाराज हाँ महाराज जो अमेरिका गले शेष जो करोन पीड़ित हवा पूर्व उज्जैन गले तो से भक्त मान भक्ति चारु महाराज मना कले कह गुरु महाराज करोनार समय चलते आप जातुनि तो भक्ति चारु महाराज कहले कह प्रभुपाद डिड नॉट एनकरेज अस गो टू वृंदावन एंड स्टे देयर एंड डू योर भजन कि वृंदावन जाओ से रहीकि तुम भजन साधन करके रुह प्रभुपाद डिड नॉट एनकरेज अस आमको कहीं प्रभुपाद उत्साहित करना व्हेयर एवर यू स्टे थिंक ऑफ कृष्णा and that place will be वृंदावन तो जो ठारे रहुच से कृष्ण चिंतन कर सही स्थान को कह वृंदावन तेनाली गोटे स्थान जाऊ अमेरिका which is non different from a hell जोटा कि गोटे नर्क ठार अभिन्न अमेरिका भाया सहर प्रकृत गोटे नर्क आई स्थान को आम जा कृष्ण बाणी प्रचार करवा तेनाली जगह भी मोदी वृंदावन कहीं से मोर कृष्ण अच्छा से भक्त मान अच्छा तेणु जन व्यक्ति जेकोसी स्थान में थाउना कहीं कृष्ण चिंतन कर जगह हूँ वृंदावन जबे जीव बंगे कपाल जीव संगे आम जुआटे जावा मन को साथ जा मनरे जहाँ पशिक थोड़ा से हिं हम जो भक्त मैंने किसी डिस्टर्ब हो जाती कहते आम जा रहा वृंदावन रहा जाकि विदेश में रहा ना जुआटे गले भी मनटा साथ भितर जो अच्छी जो पर्यटन मनर भावटा पर कृष्ण चेतनशील आम है से तो पर्यटन आम जुआड़े भी जाऊ आमर कौटी समाधान ही पार्बन समाधान निज पाखे अच्छे आम निज पाखे प्रोब्लेम टा अच्छे प्रोब्लेम टा आउ कौटी ना स्थान काल पात्र निर्भर करूनी आम प्रोब्लेम टा प्रोब्लेम टा निज उपर निर्भर करोब्लेम अच्छे तार समाधान आम निजे पार्बा तेणु आमको जेकोसी स्थान अच्छे भक्त संघरे सब इस्कन केन्द्र अच्छे तो से आस भक्त मान संगे भगवान हरिकथा शुणा हरिकीर्तन करवा बसिक जप करवा यहाँ ही हूँ वृंदावन धाम यहाँ हूँ आम जग अभ्यास यहाँ ही हूँ आम तपस्या आम गुरु महाराज परमाराध्य गुरु महाराज श्रीश्रीमद भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज कहते कि प्रकृत आम जग अभ्यास तपस्या कली जुगर हूँ कौन ना आम तो जंगल को जाकि तपस्या करूने हजार हजार वर्ष धरिक तो आम तपस्या हूँ जपर निज मन को लगे यहाँ ही हूँ आम समस्त तपस्या यहाँ आमको गुरु महाराज कहते तेणु आम जग साधना हूँ जपर निज मन को लगे आउ इस्कन केन्द्र भक्त मान संगे रही आम हरिभजन करवा आ मन इंद्रिय मान संजत करवा साधारण तो कलि युग लोक मान मंद भाग्य मस्तिष्क सब अस्थिर कहना मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य ही उपद्रुता प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य प्रायण अल्प आयुष भागवत मेरे कहुए आम स्वभावत आम आयुष बहुत कम प्रायण अल्प आयुष कलाउ अश्विनी जुगे जना ये कली जुगर जन्मित लोक मान मंद सुमंद मत यो हो मंद भाग्य ही उपद्रुता मंद सुमंद मत मती सब खराब अलसुआ मंद भाग्य आमर भाग्य खराब कली जुगर प्रति व्यक्ति मंद भाग्य उपद्रुता कितने सारा प्रोब्लेम थी सब गोटे भल जिन अच्छे सब एक कथा कहे
कौन सा कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत कली युग रे दोष थे सुधा गोटे भल जिन कौन सा कीर्तना देव कृष्ण से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये गोटे जिनस भल आउ कि भल ना कली युग समस्त मन रखा दरकार लोक मैंने खोजुं ये कौन भल जिन अच्छे ये आज किसी भल ना सब हूँ मंद जिन सब खराब जिन कब थे दोष रही त्रुटि रही सब थे तेणु हरि नाम किसी त्रुटि ना हरि नाम सब श्रेष्ठ धन ताल मुक्त संग परम भाजे आम मुक्ति पे भगवत धाम जापर कृष्ण को प्राप्त हो पार तेणु से आमपाई जोग अभ्यास होती शिल प्रभुपाल भावार्थ में कहते कौन ना केवल हरे कृष्ण महामंत्र करवा भक्त संगरे एकाग्र चितरे करवा ताहले आम भगवान को पाई आई जीवन में कृष्ण को पाई आम आउ गोटे जीवन में कभी रिस्क नहीं पार आम भागुवा कि ना हाँ ये जीवन टा जहाँ नेक्स्ट जन्म देखा केवे पर जन्म कथा रिस्क नवानी बर्तमान कली जुगर सिचुएसन क्या समस्त देखिए जानते गोटे पर मेन्टेनान्स करवा अर्थ उपार्जन करवा प्रत्येक दिन चाहिदा कि भाव में बहुत क्रिटिकाल लोक मैंने बहुत सफर करेणुटा हूँ कलीर प्रभाव आहरी दिन कु दिन प्रभाव बढ़ लोक मैंने आहरी कष्ट कि लोक मैंने भूली जाते कष्ट केवल कौथे ना रात्रि स्त्री रिचित अन्न सुखने मैंने भूली जाती भावती कि प्रकृत ये हूँ जीवन प्रकृत सुख तेनाली लोक मैंने सका जाए रात पर्यत से दौड़ देखो साधु सन्त मान भक्त मान कौन चिंता अच्छे सका उठिले भगवान भजन कीर्तन कले कृष्ण रंधन कर अर्पण करे भगवान बाणी प्रचार कले कृष्ण सेवा कर कृष्ण जगक्षम बहन कर अन्य चिंतुक्ता भजन कै मु तार जगक्षम बहन कै तार जहाँ ना ही प्रदान कै तार जहाँ सुरक्षा दिए तेनाली समस्त जो निज जीवन आचरण करेंगे से गृहस्थ हूँ ब्रह्मचारी हूँ बानप्रस्थ हूँ सन्यास हूँ जे भी हूँ जदि कई अन्य भाव में भगवान भजन कले कृष्ण जगक्षम बहन करेंगे यहाँ भगवान निजे प्रतिज्ञा करयभीत हवानी के सन्देह रही के द्वंद्वे रही संशय आत्मा विनश्यति जे संशय कला तार विनाश हम आम संशय कर कृष्ण गुरु पूर्ण विश्वास रखा हाँ विश्वास मिले हरि तर्के बहु दूर विश्वास करें हरि मिल भगवान मिले तर्के बहु दूर एम तर्क कर ना भगवान यहाँ कहीं देते भगवान से कहीं करते आ भगवान यहाँ देपारे नहीं भगवान यहाँ कहीं करले तो ताले भगवान आपको मिले ना तर्के बहुत दूर तर्क भगवान बहुत दूर से था तर्क पाख भगवान आसती तेणु से आम समस्त जब हरि भजन करवा हरि को प्रार्थना करवा कृष्ण समर्पित हवा थे देखते थे प्रयास करते कृष्ण आपण जगक्षम बहन न करें अनुभव करें जिते पर्यटन निजे निजे अंगे न लिभे आम जानपर जमी रसगोला खातु मीठा लगे हाथ में धरले कौन हम खाइबार अच्छे खाइले जानवे जो मीठा लगे भक्ति हरि भजन में कौन लाभ अच्छी जी ताक प्राप्त होभ्यास कर तेनाली समस्ते भगवान कृष्ण चरण में समर्पित हो जो भजन करवा भगवान को प्रार्थना करवा भगवान को आराधना करवा शुद्ध गुरु शुश्रूषा करवा सेवा करवा देखु खूब कम दिन मध्य आपण जीवन में गोटे बहुत बड़ पर आस निश्चिंत दिव्य सुख दिव्य आनंद को प्राप्त होते एथेर गोटे परसेंट भी कौन प्रकार द्विधा ना थे समस्त अभ्यास करके देखु देखिए जीवन में निश्चिंत आप कृष्ण भक्ति और अंतिम कृष्ण लोक फेरी जावाई निश्चय सुजोग मिले कारण ये भक्ति जीवन टाइम सरल और सुगम्य रास्ता हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण श्रील गुरुदेव की जय।